हेलो माय डियर ऑल टुडे आई एम हेयर विद द चैप्टर टेस्ट ऑफ चैप्टर पेरीमीटर इन एरिया एंड दिस टेस्ट इज ऑफ टेन मार्क्स सो यहाँ पर हमने फाइव क्वेश्चंस लिए ईच क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स ईच सो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम मेजर ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर कैलकुलेट द एरिया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज फिफ्टीन सेंटीमीटर सो एक यहाँ पर हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग फिगर जरूर बनाएंगे एक छोटा सा हमने क्या बना लिया ट्रिपेजियम बना लिया अब इसे मार्क कर लेंगे पैरल साइड साइड ट्वेल्व एंड ट्वेंटी तो ये आपकी होगी ट्वेंटी और ये आपकी होगी पी वन तो पी वन की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी है ठीक है सेंटीमीटर एंड दूसरी आपकी क्या है दूसरी पैरल साइड ये है पी टू पी टू और इसकी वैल्यू कितनी इसकी है इसकी वैल्यू है ट्वेल्व सेंटीमीटर ये आपकी ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक आपको दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द पैरल एसज फिफ्टीन सो डिस्टेंस so, में क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ हाइट और ये आपको दिया हुआ है

ट्वेल्व एंड हाइट इज़ फिफ्टीन बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व होता है थर्टी टू थर्टी टू बाई टू हो गया आपका सिक्सटीन सो सिक्सटीन इंटू फिफ्टीन दैट इज़ ये आपका आ जाएगा फिफ्टीन सिक्स जन नाइनटी एंड फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन और प्लस नाइन दैट इज ट्वेंटी फोर सो टू फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर होगा एरिया ऑफ ज फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर होगा नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ सो क्वेश्चन नंबर टू हमारा यहाँ पर है कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ अब विच हैज अ बेस एरिया ऑफ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब सो आपका यहाँ पे क्या है एक क्यूबॉइड है सो so, हम एक क्यूबॉइड बना देते हैं दिस इज अवय ओके ये आपका क्यूबॉइड है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द क्यूबाइड तो हाइट हमको मान लीजिए ये हाइट है ये आपकी हाइट है इसको हम लोग एच मानते हैं ये आपको फाइंड करनी है नाव बेस एरिया वन एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेस एरिया नहीं एल इंटू बी ये एल होता है और ये बी होता है बेस एरिया की वैल्यू आपको पता है वन एट्टी एंड वॉल्यूम पता है नाइन नाइन हंड्रेड सो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यह आपका होता है एल इंटू बी इंटू एच एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम के वैलू दिया नाइन हंड्रेड एंड एल इंटू बी मीन्स होता है एरिया इतना मतलब होता है एरिया सो वो आपको दिया वन एट्टी और इंटू एच तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी नाइन हंड्रेड अपॉन वन एट्टी सो नाइन हंड्रेड अपॉन वन एट्टी एंड एटीन फाइव टाइम्स नाइन्टी सो एच इज्कवल टू क्या आ गया फाइव सेंटीमीटर एच इज्कल टू फाइव सेंटीमीटर दिस इज द रिक्वायर्ड height of the cuboid. So this is the required answer. Next move करते हैं question number three की तरफ. Question number three आपका है As square and rectangle have same perimeter. ठीक है calculate the area of rectangle. If the side of the square is 16, length of the rectangle is 80. ठीक As square rectangle का perimeter आपका क्या है same है. So एक हमने यहाँ पे square बना लिया. ये आपका square है. और दूसरा आपका rectangle है. यह आपका रेक्टेंगल है यह आपका स्क्वायर है और यह आपका रेक्टेंगल है दोनों का पैरीमीटर सेम है सो so, इसकी साइड है सिक्सटी सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है आपकी एट्टी सेंटीमीटर ठीक एट्टी सेंटीमीटर दोनों का पैरीमीटर सेम है सो पैरीमीटर स्क्वायर होता है फोर इंटू साइड और पैरीमीटर रेक्टेंगल होता है आपका टू एल प्लस बी टू एल प्लस बी या आपको एल पता है एट्टी और बी आप पहले फाइन करेंगे सो फोर इंटू सिक्सटी इज इक्वल टू यह आपका हो जाएगा टू इन ब्रैकेट एट्टी प्लस बी सो यहाँ से टू टू टाइम्स फोर हो जाएगा सिक्सटी टू दन ट्वेंटी माइनस एट्टी दैट इज़ फोर्टी सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी ब्रेथ आ जाएगी यह आपकी आ गई फोर्टी सेंटीमीटर दैट इज़ ब्रेथ ना यू हैव टू फाइंड आउट देखते हैं क्या फाइंड आउट करना था आपको फाइंड करना था फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा एल इन टू बी होगा यहाँ से ब्रेथ आ गई देयर फोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आप क्या करेंगे एल इन टू बी कर देंगे यानी कि एट्टी इंटू फोर्टी और यह आपका आ जाएगा थर्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर थर्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर इस्वायर दिस इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर अ लॉन्ग मूवर टेक्स सेवन फिफ्टी कंप्लीट रेवोल्यूशन टू कट अ ग्रास ऑन फील्ड कैलकुलेट द एरिया ऑफ फील्ड विद द डायमीटर ऑफ लॉन्ग मूवर इज एट्टी फोर सेंटीमीटर लेंथ इज़ वन मीटर सो आप चाहें तो इसको ये लॉन्ग मूवर है ऐसा कुछ होता है यहाँ पे ऐसे हैंडल लगा होता है आगे की तरफ इससे हम लोग इसको पुल करते हैं यहाँ पर एक वायर होता है जिससे आपकी ग्रास कट जाती है ठीक है इसका आपको लेंथ दी है दैट इज़ हाइट दैट इज़ वन मीटर सो एच इज कल टू वन मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर में और डायमीटर एट्टी फोर है सो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी फोर्टी टू सेंटी मीटर सो टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा नंबर ऑफ़ रेवल्यूशन इंटू सी एस एफ दिस रोलर सो टोटल एरिया यह आपका हो जाएगा सेवन फिफ्टी इंटू सी एस ए क्या होता है सी एस ए होता है टू पाई आर एच टू पाई आर इंटू एच सो सेवन फिफ्टी इंटू टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर्टी टू इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा आपका आंसर एंड सेवन सिक्स टाइम्स होता है फोर्टी टू ट्वेंटी टू टूज़ा फोर्टी फोर सो ये आपका आ जाएगा सेवेंटी फाइव टूजा हो गया वन फिफ्टी इंटू ट्वेंटी टू इंटू सिक्स सिक्स टू जी ट्वेल्व एंड सिक्स टू जी ट्वेल्व वन थर्टीन वन थर्टी टू इंटू हंड्रेड ये आ जाएगा अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी थ्री कैरी जीरो यहाँ पे फिफ्टीन थ्री जी फोर्टी फाइव और थ्री फोर्टी एट ये हो गया और फिफ्टीन वन जो फिफ्टीन और फोर नाइनटीन वन नाइन एट ज़ीरो और तीन जीरो और लगा देंगे एक दो ये हो गया फिर से देख लेते हैं फिफ्टीन टू जी थर्टी फिफ्टीन थ्री फोर्टी फाइव और थ्री फोर्टी एट फिफ्टीन फोर ठीक तो तीन जीरो ट्रिपल ज़ीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है सबको सेंटीमीटर में तो आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे चार जीरो आएंगे क्योंकि ये सेवेंटी फाइव टू जा, ये सेवन फिफ्टी था तो ये आपका आंसर आएगा वन नाइन एट उसके बाद चार जीरो हैं तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना हो मीटर स्क्वायर में करना होगा तो ये वन नाइन एट जीरो मीटर स्क्वायर में भी आंसर आ जाएगा दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट है आपका द एरिया ऑफ रोमबस इज सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये आपका रोम्बस हो गया रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं डाइगनल बाई सेक्ट इज द राइट एंगल आपको पता ही है ठीक है ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल नाउ यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ राम्बस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर सो एरिया ऑफ रामबस का फॉर्मूला क्या होता है ये आपका होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू ठीक है सो सिक्सटीन इज इक्वल टू हाफ इंटू डी वन कितना दिया है लेंथ ऑफ वन डाइंगल इज़ फोर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अदर डाइंगल सो डी टू ये आपकी आ जाएगी ये आपकी डी वन है और ये आपकी डी टू है ठीक सो टू टू जै फोर एंड टू एट जै सिक्सटीन ये हो गया यानी डी टू की वैल्यू क्या आ गई एट सेंटीमीटर ओके दिस इज द फाइनल आंसर सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ मोर टेस्ट पेपर यहाँ तक ये पेपर खत्म हो चुका है आप अपने कमेंट करके मार्क्स बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं इस पेपर में नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का पेपर ओके थैंक यू